प्यारे साथियों नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सभी को, नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। दोस्तों बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर भर्ती आई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी कि डेट नहीं आया है कब से इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, लेकिन बाकी सब क्लियर हो गया है। टोटल वैकेंसियां हैं 2140 मेल फीमेल के लिए। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हो। मेल कैंडिडेट की है 1723 वैकेंसियां और फीमेल की हैं 417। आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ 10वीं पास। आपके लिए 10वीं पास हो तो इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिटेल ए टू जेड जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये है इसका नोटिफिकेशन, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल ही नोटिफिकेशन आया है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ये बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन लेंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। आपके लिए इसमें योग्यता मांगा गया है, आप हिंदुस्तान में भारत के नागरिक होने चाहिए। टोटल वैकेंसियां हैं 2140, जिसमें 1723 है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए हैं 417, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ये ट्रेड्समैन की वैकेंसियां हैं, ट्रेड्समैन की बहुत वैकेंसियां होती हैं। इसके अंदर जो आपका सैलरी बताया गया है वो आपका लेवल 3 का पे स्केल रहेगा, 21,700 रुपये से लेके और 69,100 रुपये तक आपका सैलरी हो जाएगा। इसके लिए वैकेंसियों के बारे में बताया गया है, ये वैकेंसियाँ घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें देखिए, ये एम के शर्मा साहब हैं डिप्टी कमांडेंट साहब ने 27 दिसंबर को इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे और 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन 2140 पोस्ट ऑनलाइन फार्म bsfgovernment.in, ये इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हो। इसमें देखिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023, इसका मैं आपको मेन बता देता हूँ। टोटल वैकेंसियाँ हैं 2140 वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर, और मेल का फीमेल का अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। मेल का है 1723 और फीमेल का है 417 वैकेंसियाँ। इसके अंदर देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या मांगा गया है, पूरा मैं समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ की ये भर्ती है। नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसियाँ हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 2140, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे और जॉब लोकेशन रहेगा आपका ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, देखिए टोटल वैकेंसियां दे दी हैं इसके अंदर। अब इसका मैं आपको मेन बताता हूँ, ये इसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। स्टार्टिंग डेट जनवरी या फरवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट अभी दिया नहीं है। पेमेंट इसका दिया है 100 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है 100 रुपये, एससी एसटी फीमेल का कोई भी फार्म फीस नहीं रखा है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। इसमें एज लिमिट दिया गया है 18 साल से लेके 25 साल तक, लेकिन ओबीसी एससी एसटी को 3 साल और 5 साल का इसमें छूट दिया जाएगा। ये दिया है एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको 5 साल का इसमें एससी एसटी को और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, या आपने 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें देखिए कौन सी ट्रेड के लिए क्या मांगा गया है, इसके जो ट्रेड्स हैं, ये कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर और ड्रग्समैन, अपहोल्डर और ये टिन स्मिथ, इसमें इन्होंने मांगा गया है 10वीं पास और आईटीआई। दूसरी ये है इसके अंदर, ये कोबलर, टेलर, वाशरमैन, इनमें 10वीं पास मांगा गया है। मस्ट बी प्रोसीड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, इन ट्रेडों के लिए 10वीं पास मांगा गया है। जिस ट्रेड के लिए, आप ये देखिए, पूरा कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए 10वीं और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको इसमें आना चाहिए, इसका काम आपको आना चाहिए, इन्होंने दिया है। अब इसके लिए देखिए, पहले आपका होगा फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, ट्रेड्स टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया है, यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या क्या दिया है,
हाइट मेल कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर, एससी के लिए 167.5 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी, यानी कि आप जनरल से हो ओबीसी से हो तो आपका हाइट मांगा गया है 160.7 मेल कैंडिडेट का, और अगर आप एससी से कास्ट से हो तो 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 सेंटीमीटर एससी का और 157 सेंटीमीटर अदर कास्ट का, चेस्ट मांगा गया है मेल का 76-81 एससी, अदर्स का 78-83 5 सेंटीमीटर का फुला मांगा गया है। इसके अंदर बीएसएफ पेट डिटेल, इसके अंदर क्या दिया है, मेल का 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, फीमेल का 1600 मीटर का रनिंग और 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स, अच्छा एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, अब ये देखिए इसमें बेसिक नॉलेज है, एनालिस्टिक है, इसके यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका जो वेबसाइट है वो है https://bsf.government.in, इस पर आप जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी तक इसका आया नहीं है फाइनल की कब फार्म भरना है, इसका डेट नहीं आया है, नोटिफिकेशन दे दिया है, यानी कि ये भर्ती कन्फर्म है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करती रहिए, देखिए एसएससी की भी वैकेंसी, यूपी पुलिस की भी, अब ये बीएसएफ की भी आ गई है, और भी बहुत वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। 2024 में हर हाल में वर्दी लेके रहना है दोस्तों, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपका दोस्त सुबेदार नरेश कुमार, जय हिंद।